हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर क्लासेस डुमरा। माई सेल्फ प्रकाश कुमार पाठक। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड एक टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक है संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य। जब भारत का संविधान का निर्माण जब हो रहा था, उस समय कौन कौन से सदस्य शामिल थे, उनका नाम हम एक साथ याद रखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। जो ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ट्रिक हम पढ़ते हैं। हमारा ट्रिक है, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। तो चलिए, बस इतना याद रखना है। और आप, हम उम्मीद करते हैं हम कि बस इतना याद रखने के बाद आप कभी लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए, राधा से हम याद रखेंगे, सर्वपल्ली। राधा कृष्ण केस याद रखेंगे, के मुंशी श्याम से याद रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद आ से याद रखेंगे, बी आर अम्बेडकर। ज से याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद गोकुल, गोकुल से याद रखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत। के फिर आता है, के तो हम यहाँ लिख के समझते हैं, यहाँ पे कैसे होता है, के टी शाह। उसके बाद सरदार से होता है सरदार सरदार वल्लभ, सरदार वल्लभ पटेल। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उस समय कौन कौन से प्रमुख सदस्य थे, यानी कि कौन कौन से मेन मेंबर्स थे। तो उनका ट्रिक जो है, वो ट्रिक है, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। तो चलिए, इस ट्रिक को हम एक बार फिर से समझते हैं। राधा, यहाँ राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद रखना है, के से के मुंशी, श्याम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आ से भीमराव अम्बेडकर, ज से जवाहरलाल नेहरू, गोकुल से याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ के दो बार आया, तो याद रखना है पहली बार जो यहाँ पे के आया है, वो के से किन का नाम है, कृष्णलाल मानिकलाल मुंशी, और दूसरी बार में जो है वो के टी शाह है, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए, ये रहा हम लोग का ट्रिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे एक बार पढ़ने के बाद, एक बार वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक कैसा लगा।